Sindh Irrigated Agriculture Productivity Enhancement Project, SIAPEP, World Bank के ताबुन से ज़रात की बेहतरी और नशोनुमा के लिए एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के ऑन फार्म वाटर मैनेजमेंट विंग की निगरानी में शुरू हुआ। ये प्रोजेक्ट अगस्त 2015 से दिसंबर 2021 तक 6 वर्ष की मुद्दत के लिए तय पाया था, मगर बाद में इसकी मुद्दत बढ़ा दी गई, जो कि 30 सितंबर 2023 तक तौसी की गई। SIAPEP प्रोजेक्ट के अहम कंपोनेंट्स या जुज, मसलन कम्युनिटी वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट, जिसके तहत आबादगारों को पक्के वाटर कोर्स बनाकर देना, जदीद आबपाशी निजाम, हाई एफिशिएंसी इरिगेशन या ड्रिप इरिगेशन सिस्टम मुहैया करना वगैरह, इम्प्रूव्ड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, जिसके तहत आबादगारों को जदीद ज़रई आलात मुहैया करना और ट्रेनिंग्स देना, घरों में सब्जियां काश्त करने के लिए मुफ्त किचन गार्डनिंग किट्स मुहैया करना, इसके अलावा दीगर सब कंपोनेंट्स वगैरह भी शामिल हैं। 31 अगस्त 2023 तक SIAPEP प्रोजेक्ट ने सिंध के 24 डिस्ट्रिक्ट्स में 6058 वाटर कोर्स पक्के करवाए हैं, जो कि नजरसानी के टारगेट 6000 से 58 वाटर कोर्स ज्यादा हैं। इन वाटर कोर्सेज की लागत का 80% हुकूमत सिंध ने अदा किया, जबकि आबादगारों ने सिर्फ 20% अदा किए। इसके अलावा SIAPEP प्रोजेक्ट ने इसी मुद्दत के दौरान सिंध में 11,636 एकड़ ज़रई अराजी पर 60% की सब्सिडी या रियायत से आबादगारों को ड्रिप इरिगेशन सिस्टम लगवा कर दिए हैं। SIAPEP प्रोजेक्ट इसी मुद्दत के दौरान सिंध की गरीब व मुस्तहक औरतों में 15,100 किचन गार्डनिंग किट्स मुफ्त फराहम कर चुका है। इस प्रोजेक्ट के तहत आबादगारों की जमीन हमवार करने के लिए 1,680 लेजर लैंड लेवलर, जमीन के अंदरून हिस्से तक हल चलाने के लिए डीप रिपर 45% सब्सिडी पर मुहैया किए गए हैं। SIAPEP प्रोजेक्ट की तरफ से आबादगारों की तरबियत यानी फसल काश्त करने के तरीकेकार, वक्त, बीज और खाद के तरीके और जदीद टेक्नोलॉजी की नॉलेज देने के लिए पूरे सिंध में 2000 फार्मर्स फील्ड स्कूल कायम किए गए हैं। इसके अलावा प्रोजेक्ट की तरफ से 30 हीस फार्मर्स ट्रेनिंग्स और अवेयरनेस सेमिनार्स के साथ साथ आबादगारों को सूबे के अंदर 224 और दूसरे सूबों के 78 नुमाइशी दौरे करवाए गए, ताकि सिंध के आबादगारों को अच्छी तरह ज़रई मालूमात मिल सके। इसके साथ साथ किसान और ज़रई दोस्त कीड़ों की अफजाइश के लिए SIAPEP प्रोजेक्ट ने लाड़काना, मीरपुर खास, सांगढ़, टंडो अलायार और ठट्टा डिस्ट्रिक्ट्स में नेफर सेंटर्स कायम किए हैं। SIAPEP प्रोजेक्ट का खास मकसद पानी की सही तकसीम और हर जमीनी सतह तक पानी की दस्तयाबी है। इसके साथ हाई एफिशिएंसी इरिगेशन या ड्रिप इरिगेशन सिस्टम के जरिए पूरे सिंध में ज़राअत को बढ़ावा देना है। इस मकसद के लिए सिंध हुकूमत ने आबादगारों को इस प्रोजेक्ट के जरिए हर कंपोनेंट्स पर सब्सिडीज दी हैं और मुनासिब कीमत पर जदीद ज़रई आलात फराहम किए हैं। ऐसा कामयाब प्रोजेक्ट चलाने पर SIAPEP इंतजामिया, फील्ड टीम्स और हुकूमत सिंध का ये कदम काबिल तहसीन है।